Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning all of you. So today is 19th of Feb. आज है बहुत अच्छा दिन, तो आज मेरा बर्थडे है. एंड मम्मी, आपने जो इंस्टा में स्टेटस लगाया है वो रमन ने लगाया, आपने लगाया? हाँ, ये मुझे पता ही थी, सच्चाई है. तुमने गाने भी लगा लिए, टैग भी कर लिया, ये क्वालिटीज कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? मैं समझ ही गई थी रमन से लगवाया है. देखो, मतलब ये नहीं है कि किससे लगवाया, मतलब है किसने लगाया. हाँ, किसने, मैंने देखा सुबह, मैंने कहा मम्मी ने मेंशन भी कर दिया, ये कैसे. व्हाट्सएप तक तो ठीक था. सो गाइस, मैं अभी मंदिर होकर आ चुकी हूँ और अभी मैं प्रसाद दे दिया है सबको. सो अब मैं रेडी होने तो नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है सब लोग लेट आएंगे. एज यूजुअल ये लेट ही करेंगे, क्योंकि मैंने बोला तो इन्हें 2 बजे का है, पर सबको लेट लेट जाना है, क्योंकि आज मंडे है तो सबकी छुट्टी नहीं है, तो सब काम आधा आधा निपटा निपटू के आएंगे. पर मेरी तो छुट्टी है. तो अभी मम्मी बना रही है पूरी, तो मैं पूरी खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ. मैंने सुबह से चाय नहीं पी, ये पहली बार हुआ है कि मैंने इतनी देर तक सुबह से चाय नहीं पी. तो अभी चाय पी लेते हैं. ब्रेकफास्ट इज़ डन, जो कि लंच भी है मेरा, पूरी खा लिया. अब मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरा मन कर रहा है कि अब मैं सो जाऊं, बट दिस स्लीप लूं. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रेडी कितने बजे होना स्टार्ट हूं, तो ये ईछड़ी भी नहीं आई ना अभी तक. मैंने कहा था आ जाइयो, मेरी वीडियो बना दियो, अभी तक आई नहीं है. इस बार मुझे मोटिवेशन नहीं आ पा रही बर्थडे की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे सुबह से ही मनना स्टार्ट हो जाए. और ये लेट लेट, मैं इसलिए लेट टाइमिंग रख के राजी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी जाऊँ बर्थडे मनाने. ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी घर आना है इसलिए मुझे जल्दी जाना है, वो भी चलो एक रीज़न है. मम्मी का मुँह बनता है मेरी, पर मुँह बनाती है और सबके मेरी बेइज्जती कराती है, कहेंगे बच्चों की तरह बर्थडे मनाना है अभी भी. पर पहले मैं बता दूँ, इट्स माई 24th बर्थडे, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ. और कोई भी मुझे फ़ोन करके फालतू ना बोले कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ. मतलब तो बोल चुके हैं आप, क्या मैं बोल रही हूँ. अब मुझे इस बात की खुशी है कि नेक्स्ट बर्थडे मेरा 25th बर्थडे होगा, मैं बहुत बड़ा बर्थडे करूँगी. तो पहले से नहीं बोल रहा था ऐसे. अब यहाँ पे ये ट्रेजेडी हो गई कि मैं वीडियो बनाने बैठी थी कि चलो मैं मेकअप वाली वीडियो बना लेती हूँ, गेट रेडी विद मी. क्योंकि जब मैंने भी शादी के व्लॉग्स डाले तो सबने मुझे मैसेज किया कि जो ये लुक क्रिएट किया इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी डालो. तो मैं वहाँ पे नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा आज तो मैं खा ली हूँ और ज़रूर बनाऊंगी, बट लाइट चली गई, तो रिंग लाइट नहीं चल पा रही है इस वजह से. और मेरे बाल भी थोड़े गीले हैं, मुझे सुखाने थे, लाइट को पता नहीं क्या मौत पड़ी है. अभी मैंने तान्या को फ़ोन किया, उनकी भी लाइट चली गई है, पता नहीं सब जगह लाइट चली गई है यार. तो अभी देखते हैं क्या करना है. मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े चेंज करे बिना दिखा दूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ फाउंडेशन वगैरह गिरा देती हूँ एज यूजुअल. तो मैं पहले पूरा मेकअप कर लूँगी, फिर हेयर्स करूँगी और लास्ट में कपड़े पहनेंगे. ओके, सो गाइस, ईशा आ चुकी है और मैंने अपना मेकअप कर लिया है कुछ ऐसा सा, और मैं ईशा को रेडी कर रही हूँ. सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं, और ये रही अच्छी लग रही है. बाय गाइस, थैंक यू. हाय भैया. हेलो एवरीवन, थैंक यू कन्नू, वो रह गई तेरी पजामी. हाँ, सुंदर लग रही है आज, है पक्का. हेलो यार, ये मेरा ना चार्जिंग पे लगा दो. डेढ़ वीक हो गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है अपना मेकअप. और ये ईशा का भी, ईशा के मुझे हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो मैंने बस तो मेकअप भी मैंने करा है, तो हेयर्स गाइस गाजियाबाद के बॉयज भी चेक करो. हेलो गाइस, गाड़ी ड्राइव कर लो. पागल है क्या तू? फाइनली मेरा बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं, और मेरा पूरा आउटफिट ऑफ द डे हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद. अभी थोड़ा गाड़ी से उतर के सब आउटफिट चेक करवाएंगे आपको. मिल लो, ये नहीं थे मेरे आज से पहले किसी ब्लॉग में शायद, ये दोनों मेरे कॉलेज के बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट यू नो. यस, एकदम जिगरी, यही दोनों मुझे मिले हैं मेरे कॉलेज में, माय डिग्री के अलावा. और मैं इनकी माँ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रिप्ट में माँ का रोल करती थी, थिएटर में मुझे इनकी माँ बना देते थे. अब हम जा रहे हैं वेलकम, क्योंकि लाला और तान्या और मन्नू चाटा खाई. इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रो की जरूरत है तुम्हारे? कन्नू तो अभी शॉर्ट वीडियो डाली है. देखो गाइस, ये है कन्नू जिसकी मैंने अभी अभी मेकअप करा था, बहुत सुंदर. उसकी असलियत ये है. मैं, तान्या, लाला, मानसी, मन्नू हमें वहाँ मिलेंगे, तो अभी हमें वेट करना है. चलो गाइस, अब हम यहाँ नेल्स लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस बार एक्सटेंशन नहीं कराए. गुड, क्या सेंस बनती है. मैं रित्ती से ले आई, उसके घर गई थी,
दीदी का नेल्स का भी काम है। मेंटल है क्या वो 4-5 ले गई थी शादी में, हमारे यूज ही नहीं हुए। कन्नु एज यूजुअल पुटिंग हर डम क्वेश्चंस इनटू एंड यू एज यूजुअल बोलिंग बहुत ज्यादा। आज दोनों ट्विनिंग करके आई हैं। वही मैं तो हमारी वीडियो डालनी चाहिए मानो। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ट्विनिंग कर ली थी शायद, जब हम लोग ग्रीन ग्रीन कुछ डाल के आए थे याद कर। मैं ग्रीन कब डाल के आई थी, ब्लैक पहना था। बहुत मोटी लग रही थी तब। डालनी चाहिए यार, कैसे लगती है तुम्हें कुछ पता है? इधर दिखाओ मानो, इसको अपने नेल पे लगा पहले। इसको नेल पे लगा, अपनी छोटी वाली नेल दे। मैं लगाऊं क्या? ठीक है, अब उस नेल को रख के इसे पील ऑफ कर दे। अरे मतलब पहले वहां पे नेल तो तैयार करो अपना। ये वाला है क्या? तेरे से नापेंगे क्या? इस उंगली से नाप ले चल, इतना बड़ा है ये। मैं तो छोटी छोटी सी उंगली है। कन्नु बीइंग क्लूलेस एज यूजुअल। तो क्या लेकर आई है मैंने? तो एक तो इतना अंधेरा हो रहा है, सीरियस इसको कहा था मैंने आगे खड़ी कर दे गाड़ी। यार एल्फी ले एक तो मान, तुम उल्टी बैठी है ना, मैं बीच में आती हूँ, तू इधर आ, रुक जा। मुझे ये कल नहीं करना चाहिए था। कौन पागल है? फिर मैं तैयार, ले अब इस पे नेल चिपका दे। दिमाग है मेरे। लेट द गर्ल डू इट बिकॉज़ दिस गर्ल कैन। यस दिस गर्ल कैन। तूने ये लिखा है? ओह अभी तक कितनी बार अभी तक ये ही नहीं देखा था गाइस। मुझे तो गोल्डन मिल के आइस क्यूबर के आइए, मुझे इतनी कुछ। मैं सोच रही थी बहुत देर से टोक दो, मैंने कहा हर बार ऐसे करती है। अरे यार फिर उसे प्रूफ भी तो करना है कि वो गन्नू है। अरे तो गाइस मेरे लेस लगा छोटा सा छोटा नहीं करना। आई लाइक मेरा बर्थडे, मेरे लेस लग गए और ईशा ने लगाए हैं बच्ची। अब किसी बात पे मुझे चाटा भी पड़ा और हमेशा की तरह मैं क्लूलेस थी। गाइस इन लोगों का वेट करने के चक्कर में हमें लगा मैं गेम खेल लेते हैं। एक मछली पानी में मेरी फेवरेट है। चल एक मछली एक मछली चलो चलो ये हाँ ठीक है छपक पानी एक मछली पानी में गई छपक एक मछली वो डाल लिया फिर किसी का भी नहीं। चलो एक मछली पानी में गई छपक दो मछली दो मछली सब में ताली थोड़ी मारनी। अरे सॉरी सॉरी यार सब में ताली मारनी। अब किसी को नहीं बताएंगे कॉन्सेप्ट। अच्छा स्टार्ट एक मछली पानी में गई छपक दो मछली पानी में गई आउट है एक मछली पानी में गई छपक दो मछली पानी में गई छपक तीन मछली पानी में गई छपक छपक चार मछली पानी में गई चार मछली एक मछली पानी में गई छपक दो मछली एक मछली पानी में गई छपाक दो मछली पानी में गई स्पेस कम है नहीं छपाक 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 बर्थडे गर्ल विनर। सो गाइस मेरे बर्थडे ड्रेस और मेरे कार्ड ने बोला मैं तो यही लाई हूं मतलब वाओ वो मेरे को इसको दिखा दो सुंदर लग रही है मुझे भी दिखा दो ब्लैक के बीच में आज हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं मैं और ईशा और मैं बैठी हूं पिंक और रिबो ये मानो हम तेरी वो नहीं लग रहे ब्राइड्समेड ये इंसान मुझे कल से रोटेट कर रही है हर मिनट मैसेज करती है मानो इतने मिनट रह गए 24 साल की हो जाएगी इतने मिनट रह गए 24 साल की हो जाएगी क्या चाहिए तेरे को 24 साल का करके अरे 2 साल बाद शादी है ना क्या कर रहा है उसको तेरा सो मैं इस बार ये बता रही थी कि मैंने ना इस बार ड्रेस नहीं लिया है अपनी बर्थडे के जो आउटफिट है मैंने ऐसा कुछ लिया है मैंने तो ये सब यही बोल रहे हैं कि जब मैं आई तो आती इन्होंने बोला बहुत सुंदर एंड क्लासी लग रहे हो आप यार सब लोग ड्रेस पहनते हैं तो बर्थडे गर्ल दिखती नहीं है तो ये तो बेस्ट चॉइस थी तेरी हम तेरी ब्राइड्स मेड है हमने जैसे तू घर के नीचे आए हम ऑब्जर्व कर रहे थे क्या तो हमारे मन में पहला थॉट आया ओ ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यार गाइस इतना बदतमीज था चिराग से रेड लाइट जंप कर दिया हमें पुलिस ने पकड़ लिया बर्थडे में चौक जाते कुछ कौन करवा दिया कदे ने अब सो ही इज द काली बिल्ली एंड ये दोनों क्या है यार चिराग तूने क्यों जंप करी हमें क्या है जल्दी आपसे बात करवा दूंगा 2 मिनट रुक जाओ अरे हाँ यार मानो क्या डर है तितली क्या डर है ये कि वो नहीं माने तो पापा कहेंगे ना यार अरे चुप रहो कहेंगे अभी भी व्लॉग कर रही है बदतमीज लड़की हमारी मैं तो टेंशन हो गई ना कि लो पुलिस ने पकड़ लिया बर्थडे वाले दिन टेंशन की क्या बात है ये तो छोटी मोटी चीज है कितना बन रही है ऐसे चौके बच्चे हैं क्या हम
जो झूले प्यार शक्ल दे मैं अपनी शादी पे इस गाने पे डांस करूंगी इस पे एंट्री ले लीजिए मुझे मेरा पीर भी का सुनते हैं नहीं मैंने तो ये भी नहीं दिखाया व्लॉग में लास्ट करके कि भैया मैं ऐसी दिख रही थी तेरी जान कसम ले इसका थोड़ी आएगा कॉपी राइट अब हम पहुंच चुके हैं पंजाबी बाग एंड हम जा रहे हैं ज़ूरी यू नो और वहां के जो हमने बुकिंग कराई वो दो बार फोन कर चुके तो मुझे शक सा पता नहीं क्यों हो रहा है तो कोहू बहुत एस्थेटिक जगह थी चल चुप कर एस्थेटिक का 14 यार बाल ऐसे करूं या फिर पीछे करूं ताने वो बोल रहा है इतनी गर्मी हो रही है ना मतलब घुटन सी महसूस हो रही है मुझे तो अरे हम कैसे लेट हो गए हमारे बात थे वो पहले पहुंच गए यार मैं स्लो चल रहा हूं केक के चक्कर में धीरे धीरे चला रहे हैं चलो देखते हैं फाइनली वी रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन गाइस डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड चलो चले चले बैक आई डोंट हैव एनी बैग यू वांट टू कैरी दिस नो नो इसलिए तो मैं लाई नहीं आई डोंट वांट टू कैरी एनीथिंग ये फोटो के लिए मैं इन लोगों से किसी का मांग लूंगी ये स्टाइल मेरे से हो नहीं पाता है उतर ना थल्ले यार ये मुचड़ कुचड़ तो नहीं गई नहीं तो गाइस हम पहुंच गए हैं और मेरी एक्टिंग भी चालू हो गई है यार मुड़ तो नहीं गया नहीं तो ये है मेरा क्लासिक लुक मैं भी सब हमारा तमाशा देख रहे हैं आगे है ज़ूरी यहाँ पे हमने कराई थी बुकिंग ज़ूरी में आना है जरूरी इतना बकवास चलो चलो मेरी शादी नहीं हो रही गाइस अबे ये कैसे टॉप पर ये इधर से बस मेरे को लगा खुली खुली जाएगी ऊपर ओ गाइस हम पहुंच चुके हैं तू आ गया आ गए आप बहुत ज्यादा स्टाइल मार के मैंने पहले ही बोल दिया मैंने कहा नंबर वहां मुझे मिलेगा जरूर नहीं फिर से हेलो एवरीवन जगह से अलग एक्सपेक्टेशंस रखी थी मैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है ये जगह मेरी ठंड तो बर्दाश्त कर लूंगी मुझे हवा से मतलब नहीं है गर्मी लग रही थी बल्कि आज तो तुम रूफ पे इधर ही लिफ्ट से गए थे मैं नहीं गई थी नंबर अभी ऊपर लाइट चलेगी ना तो हमारी वाइब बनेगी थी मैं कैसे लग रही हूँ बताया नहीं आज अब गुलाब का पूरा फूल लग गुलदस्ता लग रही है मैंने गाना लगाया था ना ये चाटा अनियन रिंग्स कैसे थे अनियन रिंग्स और दही के कबाब बहुत यम्मी थे हम लोगों तो मेरे बर्थडे में फूफा बन रहा है ना एक्टिंग कर करके देख बैठा भी ऐसे है अमिताभ बच्चन की तरह वहाँ पे हेड ऑफ दी फैमिली क्या ममता प्रताप भानु प्रताप हंसी के किटकैट शेक की किटकैट भी खा गया बुखड़ पता नहीं कौन सी गहरी डिस्कशन चल रही है हमारी डीजे वाली बन चुकी है पूरी बनाए हैं केक कट करने के लिए क्योंकि नीचे बहुत मैस हो गया था हमारे टेबल पे तो मैंने सोचा जिसको देख के मैंने बुक किया है मैं वहां तो जाऊं ये है ज़ूरी तान्या लग रही है हमारी सेक्सी मॉडल ऐसी भी क्या ठंड लग गई तुझे केक देखो यार ब्यूटी लगा देना था इसको फसा ले अरे मैं क्या करूंगी इतना मुझे नहीं चाहिए मुझे ना ठीक है वो नहीं है 24 सब लोग फ्लैश लाइट ऑन करो मैं उनको मार दूं अच्छी आ रही है क्या कुछ ला रही तुम सब हटो आगे हमारे मुंह पे मत मारती हो मत मारना या मेरे को जो
ये टीके की आदत पड़ गई क्या? मैं आ गया, ये मेरा नहीं है, मानवी का है, ये बना लो, ये मानवी का। क्या वेट कर रही है? खिला सबको, फिर से खिलाऊं उस तो खिलाई दे, मुझे खिला दियो, मुझे किसे खिला दे पहले? पहले नहीं बोला था, ये टेस्टी है वो बंदा। So guys, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि क्या हुआ है। आज मैं बुआ भी बन गई और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि जैसे ही मिलेगा फोन आया कि बेबी बॉय हुआ है उसका, और मैं इतनी खुश कि मेरे बर्थडे वाले दिन, इतनी खुश होगी कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं बुआ बन गई, अब मेरे साथ कोई बर्थडे शेयर करने आ गया है। तो गाइस, मेरा जो 25th बर्थडे बनेगा ना, फिर वो उसके साथ बनेगा, बड़े मजे आएंगे। साल हम इसकी मासी के घर जाएंगे, मैंने सबको कह दिया है। अब मासी घबराना मत, मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे, अब तुमने बर्थडे वाले दिन पोता पैदा करवा लिया। सही बात है। मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो गाइस? ईशा खुद कर, ओवर एक्टिंग, तेरे को तो ये कहना है बस। स्टोरी में भी डाले गाइस, ये हर बार होली होली में बर्थडे में आता है। बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, ओके ओके, मानू गुड नाइट, जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं रील बनाने के लिए। शीशा डाउन कर, या जैसे 24 आएगा तो ब्राइटनेस वाली वीडियो आएगी, चलेगी ना? क्योंकि 24 इज न्यू ईयर। चलो अब ऊपर कर दे, बस अब बंद कर दे। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और ऑलरेडी मेरे बर्थडे की खुशी डबल हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड मेरे को भी, मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने, मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं इस बार बर्थडे में। बहुत 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 अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी मुझे गिफ्ट्स दिए थे, बहुत 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 शुक्रिया। सो ईशा आई भी है, वो यहीं पर स्टे कर रही है क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो हम रात में फन करेंगे। बट मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय। ये जो मैं, मेरे फ्रेंड्स को केक लेकर आया, मम्मी इतनी देर से, मम्मी इतनी देर से देख के कह रही है कि धूपबत्ती करी, ओ मेकअप ये नहीं दिखाना मेरे को, ये अब दिखाना। तो वो मैं सोचा ये पढ़ रही हूँ ना, मैक, अच्छा मैक का। पापा खा भी सकते हैं इसको, खा के दिखाओ इसको, मत खाने से रहने दो ना, मेरे मन को भी दिखाएंगे।